जिसे 5 जुलाई को मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया। 48 घंटे के भीतर ही इस ऐप को 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। सोशल मीडिया यूजर्स थ्रेड्स को ट्विटर किलर बताने लगे हैं कि थ्रेड्स ऐप क्या है और क्या ये ट्विटर को टक्कर दे सकता है। थ्रेड्स ऐप फेसबुक और ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसे इंस्टाग्राम की टीम ने डेवलप किया है। इस ऐप पर 500 कैरेक्टर का पोस्ट, लिंक, फोटो और 5 मिनट तक के लंबे वीडियो शेयर किए जा सकते हैं। लेकिन क्या जुकरबर्ग का थ्रेड्स मस्क के ट्विटर को टक्कर दे सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ऐप ट्विटर का विकल्प साबित हो सकता है। इसके पीछे कुछ खास वजह है, जैसे ट्विटर की तुलना में थ्रेड्स को इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। इंस्टाग्राम यूजर्स आसानी से एक क्लिक के जरिए थ्रेड्स अकाउंट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जितने फॉलोअर्स होते हैं वो सारे फॉलोअर्स थ्रेड पर भी होते हैं, जबकि ट्विटर पर नए सिरे से फॉलोअर बेस बनाना होता है। ट्विटर पर कई सारे फीचर के लिए यूजर्स को पैसे देने होते हैं, जबकि थ्रेड्स ऐप फिलहाल पूरी तरह से फ्री है। थ्रेड्स अभी पूरी तरह से एड फ्री भी है, जबकि ट्विटर इस वक्त एड फ्री नहीं है। थ्रेड्स ऐप को डिसेंट्रलाइज सपोर्ट मिला है, जिसके चलते इसके यूजर्स को ट्विटर से ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ये डिसेंट्रलाइज सपोर्ट सोशल मीडिया के लिए एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल की वजह से यूजर्स का अकाउंट भले ही थ्रेड्स पर हो, लेकिन वो एक साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। इससे यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसके अलावा ट्विटर ने पिछले महीने यूजर्स के पोस्ट लिखने और पढ़ने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था, जिसके मुताबिक अब नॉन वेरीफाइड ट्विटर यूजर हर रोज 600 तक और ब्लू टिक वाले ट्विटर यूजर हर रोज 6000 से ज्यादा पोस्ट पढ़ सकते हैं। तो वहीं फीड, एडिट और सर्च फीचर के मामले में भी थ्रेड ऐप ट्विटर से अलग है। थ्रेड्स ऐप डेस्कटॉप पर सपोर्ट नहीं करता, जबकि ट्विटर डेस्कटॉप और वेब ब्राउजर पर भी उपलब्ध है। थ्रेड्स पर फिलहाल प्राइवेट मैसेज नहीं कर सकते, इस पर जिफ सपोर्ट नहीं करता है और होम पेज पर ट्रेंडिंग टॉपिक देखने का ऑप्शन नहीं है। मेटा के वाइस प्रेसिडेंट कॉनर हेस का कहना है कि थ्रेड्स की प्राइवेसी पॉलिसी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के जैसी ही है। डेटा प्राइवेसी की बात करें तो ये किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ये मेटा प्राइवेसी पॉलिसी और थ्रेड ऐप के लिए बनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या उसके आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों ही यूजर्स के लिए मौजूद है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।